जिले के सेंधवा में पीआईयू द्वारा मॉडल स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच अधिकारियों द्वारा लीपापोति कर जांच आदेशों की खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली गई, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि बिल्डिंग निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा विभाग व पीआईयू पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल जिले के सेंधवा में शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी पीआईयू से वर्ष 2016 में मॉडल स्कूल भवन निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस भवन में गर्ल्स हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता केदार पाटीदार द्वारा मॉडल स्कूल भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। कार्यवाही नहीं होने पर उच्च विभाग में शिकायत के बाद मॉडल स्कूल भवन में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए सिर्फ 2 अधिकारी मॉडल स्कूल भवन की जाँच करने आए। वहीं शिकायतकर्ता से ही पूछा हम जांच कैसे करें, जबकि जांच दल में इंजीनियर सहित अन्य लोगों ने आकर शिकायत के आधार पर भवन के कॉलम व आरसीसी की गुणवत्ता की जांच करवाना थी। वहीं जांच आदेश की खानापूर्ति कर रवाना हो गए। मीडिया के सवालों से भी पछते नजर आए। इस विषय पर सेंधवा विधायक ग्यारसी लाल रावत ने भी मॉडल स्कूल सहित हॉस्पिटल निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त कर जाँच करवाने सहित विधानसभा में सवाल उठाने की बात कही है। क्या नाम आपका? केदार पाटीदार। यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ सेंधवा मॉडल स्कूल पीआईयू द्वारा बनाया गया था, जिसमें मैंने बड़वानी पीआईयू जिला शिक्षा अधिकारी के बाद में मैंने सीधा आयुक्त लोक शिक्षण विभाग भोपाल को मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत के मार्फत में 6 महीने से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बार बार जाँच को बढ़ाना और आज आखिर में उन्होंने जब जाँच अधिकारी को भेजा तो उसमें मात्र 2 आदमी PWD के, जबकि जाँच एजेंसी के इसमें जांच इसमें कम से कम आपके आरएस के जनपद के सभी इंजीनियर होना आवश्यक है। उनके पास ड्राइंग डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बताया कि यहाँ पर फुटिंग से लेके कॉलम के बीम के लेके जमीन स्लैब से लेके ऊपर के बीम तक सभी चीज़ों में न तो आरसीसी पूरी तरह से डाला गया है, न पूरी तरह से सरिया डाला गया है, न इन्होंने कोई जांच ले बोले, न कुछ भी टेस्टिंग ले बोले। ये केवल मामले को लिपापोती करने के लिए ही तैयार है। उसके अलावा इन्होंने मामले को पूरी तरह से लिपापोती कर रही है शिक्षा विभाग वाले और जो जांच एजेंसी है जो उन्होंने बनाई उस दोनों में। बिल्डिंग में क्या कमी है? मेन बिल्डिंग में पूरे 160 कॉलम में से 150 कॉलम में नीचे फुटिंग में एक बेस होता है न्यू, उसमें सरिया ही नहीं है, उसका आरसीसी कम है। जांच अधिकारी बोल रहे किस प्रकार से हम जांच करेंगे, किस प्रकार से खोलेंगे? मैंने यही बोला है कि आप कंबाइंड फुटिंग को ऊपर से चेक कर लीजिए। आपको कंबाइंड फुटिंग में मात्र 1 इंच 2 इंच पे अगर आप थोड़ा सा करोगे तो उसी में पता चल जाएगा कि स्टील है या नहीं है। ऊपर से जो कॉलम जो बीम है जहाँ पे उसको 300 mm का होना चाहिए था वो 200 mm का है, न तो ड्राइंग लेके आए और न कुछ जाँच करने को तैयार है। वो सिर्फ लिपापोती कर मामले को पूरी तरह से। आगे क्या कार्रवाई? सेंधवा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। काफ़ी दिनों से सेंधवा हॉस्पिटल और मॉडल स्कूल का जिस प्रकार वहां पे जो निर्माण कार्य होना चाहिए गुणवत्ता के आधार पर, लेकिन हुआ नहीं है और इसलिए हम लोग भी इस निर्माण कार्य की जांच करने के लिए हम भी लगे हुए हैं। और हम अभी विधानसभा जब प्रारंभ होगी तो विधानसभा में भी हम लोग इसका क्वेश्चन लगवाएंगे और जो गलत काम हुआ है उसके लिए हम लोग उनको कार्रवाई करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। इस मामले में लिपापोती ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल, भले वो लिपापोती कर रहे हों लेकिन हम लोग उसमें शामिल नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल, हमारी मांग है कि वास्तविकता जो जनता के लिए जो चीज़ बनती है उसको जनता को मतलब सही मिलना चाहिए। अस्पताल हॉस्पिटल होता है, आए दिन सेंधवा एक एबी रोड पे मतलब स्थित होने का वहाँ पर दुर्घटना कहीं होती है। अगर अस्पताल इस प्रकार बनेगा तो वहाँ के जनता की क्या स्थिति रहेगी? स्वास्थ्य के संबंध में मतलब अच्छा मतलब क्वालिटी मेंटेनेंस करेंगे तो मतलब वहाँ पे जनता का फायदा मिलेगा उसका। और शिक्षा को गुणवत्ता के ओर से ध्यान रखने के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत से स्कूल मॉडल बना रहे हैं, लेकिन मॉडल स्कूल इस प्रकार बनी हुई है तो बच्चों का मतलब भविष्य क्या रहेगा जी? तो इसलिए हम लोग उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग आप लोगों को भी हम लोग सहयोग करेंगे कि जर्नलिस्ट भी बहुत से हम इस बात से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको भी पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।